Welcome to Ahmad Abdullah Garib Private ITI, which is number 1 ITI in Mumbai region. This is special announcement regarding admission of most valuable ITI trade courses in industry. At it is computer operator and programming assistant, draftsman civil, draftsman mechanical, fitter, electrician, mechanic motor vehicle, and welder. Choose any trade and make your life brighter. To change your lifestyle, please call below mentioned contact number. मुंबई क्रॉफर्ड मार्केट दुर्घटना का दोषी कार चालक हुआ गिरफ्तार। देखिए पहली दुर्घटना के बाद कैसे की थी लोगों ने धुलाई। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 31 अगस्त रात 9 बजे के करीब मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट के सामने जनता रेस्टोरेंट के पास फुटपाथ पर लगभग 8 से 9 लोगों को अपनी कार से रौंदते हुए, जिसमें से 4 से 5 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हुए। ऐसी ये दुर्घटना का आरोपी, जिसे पायधुनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसका नाम समीर अली इब्राहिम सैयद उर्फ डिग्गा बताया जाता है। उम्र 48 वर्ष है। समीर उर्फ डिग्गा को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे कोर्ट ने 4 दिन तक पुलिस रिमांड में रखने का आदेश दिया है। उसके खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) यानी 304(2), 279, 337, 338, 427, 308, 183, 185 और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। वहीं हम आपको आज की हमारी इस खबर में बता रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन के दरमियान या कुछ उससे पहले ही, समय के बारे में निश्चितता नहीं है, लेकिन ऐसी एक दुर्घटना को पहले भी समीर अली इब्राहिम सैयद उर्फ डिग्गी ने अंजाम दिया था। उसके बाद लोगों ने उसको कैसे पकड़ा और कैसे उसकी धुलाई की थी, उस वक्त का वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि समीर जो है बेहद लापरवाही से कार चलाता है और अक्सर दुर्घटनाओं को अंजाम देने वाला हैबिचुअल ऑफेंडर है। दूसरी ओर हमको सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि समीर का कोई भाई है जिसका पुलिस में अच्छा रसूख है, पुलिस के लिए वो काम करता है, इसलिए अक्सर समीर इस तरह की दुर्घटनाओं से और कई आपराधिक मामलों से अब तक सस्ते में छूटता आ रहा है। अब देखना है कि लगभग 4 से 5 लोगों की जाने लेने वाली इस दुर्घटना को अंजाम देने के बाद समीर के साथ पुलिस किस तरह की कानूनी कार्रवाई करती है और किस तरह से अदालत में उसके खिलाफ एयरटाइट चार्जशीट दायर करती है। मारो, मर जाएगा यार। अरे क्या छोड़ रहे हो?